अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज यूजुअल अगर हमें किसी ने ज्वाइन किया है तो हमें वेट कर दें, पास सम कमेंट ओवर देयर सो दैट आई कैन नो दैट यू गाइस हैव ज्वाइन। हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। फिलहाल ज्वाइन नहीं किया है मैं किसी ने। ओके जी, आई कैन सी वन व्यूअर विद अस एंड दैट कैन बी नो अदर देन मुदस्सिर आई गेस। इतरा इतना हैदर आई है भाई आज की फर्स्ट हमारी व्यूअर एंड दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। वेल सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की टाइमिंग थोड़े लेट रखे गए थे हमारे गेस्ट की वजह से, बहुत मुश्किल से टाइम अवेल कर पाए हम लोग। अभी भी हमें आधा घंटा देंगे, कोशिश होगी हमारी कि हम थोड़ा सा टाइम उसे एक्स्ट्रा लें, लेकिन ही हैज सम वर्क टू डू, दैट्स व्हाई ही वोंट बी एबल टू कैरी ऑन लेटर देन 11:30। सो होप दैट पीपल मे ज्वाइन अर्ली। जितने लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को इन्वाइट करते जाएं साथ साथ, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू रन द शो। मुदस्सिर हैज ज्वाइंड अस। सलाम वालेकुम मुदस्सिर, कैसी तबीयत है? अच्छा, मैं अपने गेस्ट को ऑनलाइन बुला लेता हूँ ऑन कैमरा। लेट्स स्टार्ट चैटिंग विद हिम। इन द मीन वाइल हम जनरल डिस्कशन करते हैं उनसे, जैसे ही आप लोग ज्वाइन करेंगे क्वेश्चन हम लेना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास आज गेस्ट हैं वामिक वामिक खान। ही इज एक्चुअली अ सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वामिक, वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम बिल्कुल ठीक सलाम, हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। तंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो नहीं किया इस टाइम पे आपको? नहीं, सर तंग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। नहीं सर, तंग नहीं किया। अच्छा वामिक, मैंने जनरल से इंट्रो दिया है आपके बारे में, जरा अपने बारे में खुद आप बताइएगा कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट रही हैं और अच्छा क्या सही करते है, हैं फिलहाल अभी। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं क्या मैं इसका लिंक अपने प्रोफाइल पे भेज सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं, भेज सकते हैं। वो कैसे होगा? नो वो कैसे होगा? अच्छा वो मैं मुदस्सिर को बोल देता हूँ, वो शेयर कर देगा आपको टैग करके। ठीक है, ऑलराइट, डन। सही है मुदस्सिर। तुम ये वीडियो देख रहे हो, इज एक्चुअली आई कैन सी कमेंट्स ओवर देयर। वामिक को और मुझे जरा टैग कर दो ये वीडियो जल्दी से शेयर करके, बेहतर होगा अगर वामिक की प्रोफाइल वहां पे शेयर हो जाती है तो दैट्स बेटर, वरना वो मेरे अपने पास करके वामिक को टैग कर दो उसमें। एक्चुअली जो मेरी प्रोफाइल में लोग हैं ना, एक्चुअली जो मेरी वो प्रोफाइल में आ लोग हैं ना जाएंगे इसके ऊपर ना, इसलिए वो बोलो। आ जाएंगे इसके ऊपर ना, ठीक इसलिए है, बोलो। ठीक है, ओके। तो जी वामिक, अच्छा, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। बेसिकली अच्छा आई एम बेसिकली प्रोफेशनली आई एम अ आई बैंकर, एम प्रोफेशनली आई एम वीपी इन अ बैंक राइट आई नाउ। और इसके अलावा आई हैव अ जिम, आई ओन अ जिम, और आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। और इसके ये इसलिए कि इस पे पैशन थ्रू आउट द टाइम मेरा पैशन रहा है, तो साथ साथ ये चलाते रहे अपनी बाकी चीज़ों के साथ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चांस दिया है कि अपना जिम ओपन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके ऊपर जो है फोकस करें, बाकी अपनी फिटनेस की कोशिश करते हैं कि जितना कर सकें कर लें टाइम के साथ साथ, और बाकी लाइफ को मैनेज करते हुए। और ये हमारा छोटा सा इंट्रो है। और अच्छा वामिक जी, हाँ, बताइएगा आपका जिम कौन सा है, किस नाम से, कहाँ पे है, इफ एनीबॉडी वांट्स टू ज्वाइन यू। अब मेरा जिम का नाम है लीन एंड बल्क, और ये लोकेटेड है आपका मलीर कैंट के जस्ट ऑपोजिट, गेट नंबर 5 के जस्ट ऑपोजिट इन फैल्कन सोसाइटी। तो जिसने भी अगर विजिट करना है, ज्वाइन करना है, कोई डिस्कशन करनी है, दे आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, अच्छा वामिक, मैं तो शायद बहुत अच्छे से देख रहा हूँ आपको पावर जिम में। शायद जी तो सारों के साथ आते थे, मैं नान के साथ आता था, जी 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 और जी आई थिंक दैट तब से आई हैव नोन यू। और लेकिन मैंने सुना ये है कि यू ज्वाइन क्वाइट अर्ली है, बहुत पहले ज्वाइन किया था मैंने बल जिम का, मुझे आइडिया, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, तो ये शौक कैसे चढ़ा था?
ये शौक बचपन में चढ़ा था, वीडियोस देख के, सलमान खान को देख के, तो सलमान खान को देख के। हाँ उसको देख के शौक चढ़ गया था बस। फिर उसके बाद भूत उतरा नहीं अभी तक। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि हमने टॉपिक रखा है वो बिल्कुल सूटेबल रखा है अकॉर्डिंग टू द नेम, हाँ लीन एंड बल्क ट्रांसफॉर्मेशन, और आज के टॉपिक का नाम भी यही है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी हवाले से नाम रखा था ना आपने। अच्छा, हम जनरली जब देखते हैं फिटनेस में तो बॉडी बिल्डिंग ज्यादा फोकस रही है अब तक, ठीक है। अब लोग फिटनेस की तरफ आना शुरू हुए, कुछ लोग समझते भी नहीं कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंस है। आप क्या समझते हैं कि पूरी तरह से फिटनेस अब तक आ गई है या अभी लोगों को टाइम लगेगा समझने में? यार दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। बॉडी बिल्डिंग के अंदर लोगों को माइंडसेट ये है कि सिर्फ उन्होंने मुकाबले लड़ने हैं और बॉडी बनानी है और उसी को परसू करना है। फिटनेस इज अ डिफरेंट थिंग। अगर फिटनेस को देखा जाए तो आजकल जो पब्लिक है वो काफी अवेयर हो रही है फिटनेस से रिलेटेड, कि पहले जैसे चीजें होती थी लोग इसको इतना प्रेफर नहीं करते थे कि वो कहीं अपनी फैमिलीज के साथ किसी ऐसी जगह पे ज्वाइन करें, जैसे कि हस्बैंड वाइफ। हमारे पास भी अक्सर हस्बैंड वाइफ और फैमिलीज आ रही हैं, इवन के किड्स को भी वो लेकर आते हैं और जस्ट दे वांट जस्ट टू बी फिट। मतलब उसमें कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज उनकी जो इम्पोर्टेंट होती है उनके लिए वो करना चाहते हैं, और मतलब बॉडी बिल्डिंग से उनको मतलब एक तरह की चिढ़ भी है। वो कहते हैं यार नहीं, हमें बॉडी बिल्डिंग का मत बताओ, हमें जो है ना वो फिटनेस रिलेटेड चीजें बताओ कि हम फिटनेस कैसे करें अपनी। तो मेरा ख्याल से थोड़ी अवेयरनेस आई है, मगर और टाइम लगेगा, अभी काफी टाइम लगेगा। क्योंकि थोड़ा सा लोग उसको समझ भी नहीं पाते अभी, कि वो समझते हैं फिटनेस बॉडी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है, जबकि उसी की ब्रांच निकलती है। क्योंकि जब आप हाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो वो तो लाजमी है उसके आपके लिए बगैर भी। आप, उसके बगैर देखें आप नहीं कर सकते। कॉम्बिनेशन इज इम्पोर्टेंट, कॉम्बिनेशन इज इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं कहता किसी को भी कि यार आप बॉडी बिल्डिंग करो, ठीक है। मैं हर बंदे को ये कहता हूँ कि यार आप एक्टिव रहो, ठीक है। और एक्टिव रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग करो, जरूरी नहीं कि आप जो है जिम आओ, ठीक है। आप हाइकिंग भी कर सकते हो, आप अपनी वॉक्स भी कर सकते हो, और आप किसी और जैसे लोग स्क्वाश खेलते हैं, लोग स्विमिंग करते हैं, ठीक है। किसी न किसी चीज में, किसी न किसी चीज हेल्दी एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए बंदे को। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ जिम आकर ही अपने आप को फिट कर सकता है। ये सिर्फ एक मिथ सी है लोगों की कि हम जिम जाएंगे तभी होगा सही। और दूसरा ये कि एक और जो मिसकंसेप्शन है वो ये कि हम जब जिम जाने का सोचते हैं यार मैं जिम जाऊंगा तभी तो मैं अपना ख्याल रखूंगा, तभी मैं डाइट के ऊपर कंट्रोल करूंगा। बरक्स इसके कि अगर इंसान नॉर्मल रूटीन में भी अगर अपना ख्याल रखे, अच्छा खाए, क्लीन ईटिंग करे, तो जो है वो वैसे हेल्दी रहेगा, और प्लस कुछ चीज़ों को अवॉइड करे। जैसे कि हम पहले अब देखा जाए तो हर किसी के पास बाइक है, गाड़ी है, तो वो लोग जो है मतलब बिल्कुल भी वॉक करना पसंद नहीं करते, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद नहीं करते। तो उसकी वजह से ही लोगों में ओबेसिटी का वो बढ़ता जा रहा है। बच्चे जो हैं उनको ध्यान नहीं देते बच्चों को कि वो आईपैड यूज कर रहे हैं। शुरू से आपको एक माइंडसेट देना पड़ता है यंगस्टर्स को, अगर वो आईपैड और गेम्स खेलते रहेंगे तो दे वोंट बी द जनरेशन विच आर एक्टिव एंड हेल्दी लेटर इन देयर लाइफ। वो सिर्फ गेम्स ही खेल रहे होंगे और उन्होंने कभी बाहर निकल के कुछ फिजिकल एक्टिविटी की नहीं होगी, और उनके लिए फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होती जाएंगी। इसीलिए जो आप देख रहे हैं आजकल 30s में और 35 तक की एज में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो वो यही वजह है कि फिजिकल एक्टिविटी उनकी होती नहीं है और वो ज़्यादातर इनडोर रहना पसंद करते हैं, और इनडोर चीज़ें गेम्स वगैरह फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स उनको खड़ी हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा एक पहला क्वेश्चन है अपने तौर से, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी है और टॉपिक से रिलेटेड भी है। वो ये कि जिस समय मैंने और मुदस्सिर ने पहले अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी, मतलब अपने लिए जारी बात, हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं इनिशियली, ट्रेनिंग तो बाद में ख्याल आता है कि ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाते। तो मुदस्सिर जो है वो फैट टू फिट की तरफ आया था, मैं स्किनी था, बहुत लीन था, मैं उससे थोड़ी मस्कुलैरिटी की तरफ आया था। व्हाट वाज योर जर्नी एट दैट टाइम? मैं आई वाज लाइक आई वाज हैविंग
9 inches of biceps. I was very skinny and little. Meri height bhi kam thi. Aur Mudassir actually is my class fellow. He knows me quite well. तो वो ये लोग मुझे कहते थे यार ये छोटा बच्चा लगता है बिल्कुल इसको इसकी ना बॉडी है ना हाइट है तो आई वाज क्वाइट मतलब बुलेड एट दैट टाइम इन स्कूल तो मुझे जो है वो मैंने सोचा कि यार नहीं यार मैंने अपने आप को कुछ सेट करना है अपनी बॉडी बनानी है अपनी हाइट वाइट निकालनी है तो मैंने उस वजह से भी जो है काफी सीरियस लिया था इस एक्सरसाइज की तरफ आने को तो मैं लीन था काफी और उसको फिर मैंने और बेहतर करता गया और कोशिश की कि मैं अपना साइज पुट अप करूं ताकि विजिबल लोगों की नजर में ना थोड़ा विजिबल हो तो बस ये मेरी जर्नी ये थी कि मैंने पहले लीन था लीन से मैंने अपने अब करंटली आई एम हैविंग 19.5 इंचेस ऑफ बाइसेप तो 9 से 19.5 पर आना काफी मुश्किल काम है आपको तो खुद अंदाजा है हाँ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और आई थिंक कि ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे बड़े जो मसला होता है वो यही होता है मतलब हमें नहीं लोगों को समझाते हुए कि जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं कितने दिन में ये काम हो जाएगा जबकि दे डोंट नो कि जो सामने वाला बंदा है ट्रेनर है जो भी बिल्डर है उसको सालों लगे काम करने में बिल्कुल इट्स मतलब जो कहते हैं ना उसको कि जर्नी जो है वो बहुत डिफिकल्ट है और थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है इसमें आपको मतलब आप ओवर द नाइट कोई भी चीज नहीं कर सकते आप मतलब ग्रेजुअली आपको पहले आप टेक्निक्स लर्न करते हो चीजों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर लाते हो लाइफ के अंदर और उसके बाद होता है बेसिकली अगर कोई बंदा ये इसलिए करता है कि 3 months में मैं ट्रांसफॉर्म कर लूंगा अपने आप को या 4 months में कर लूंगा तो मेरा पर्सनल उसको मशवरा ये कि भाई ये ना करो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसको सस्टेन करना और मेंटेन करना इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट देन द ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज द पीपल और छोड़ो पीपल्स को मतलब इफ यू सी योरसेल्फ इन द मिरर विद 8 packs और 6 packs तो आफ्टर व्यूइंग दैट इमेज ऑफ योर ओन सेल्फ यू वॉन्ट बी एबल टू फॉरगेट दैट और यू शुड मेंटेन इट अगर आप वो मेंटेन नहीं कर पाओगे ना तो फिर आपको बहुत अफसोस होगा दुख होगा और आई हैव बीन इनटू दिस फेज एज वेल बिकॉज आई वाज हैविंग अ वेरी गुड बॉडी और देन आई हैड एन एक्सीडेंट एंड माय जॉ गॉट फ्रैक्चर्ड फ्रॉम हियर तो ये मेरा जॉ फ्रैक्चर हो गया तो दैट ड्यू टू दैट 18 मंथ्स आई वाज नॉट एबल टू वर्कआउट एंड लिफ्ट तो उस वक्त मुझे जो है ना बड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि यार मैं इवन के मैं रोता था देखकर अपना यार मुझे क्या हो रहा है मेरा वेट जो है वो इस तरह पुट ऑन हो रहा है और मुझे उन्होंने स्टेरॉइड्स दिए तो उसकी वजह से पहले वेट पुट ऑन हुआ और जब मतलब मेरा फुल फेस जो है उन्होंने स्टिच कर दिया तो स्टिच करने की वजह से जो है वो मैं कुछ खा नहीं सकता था तो मेरे मसल्स मेरे ऊपर से जो उतर रहे थे वो मुझे वाकायदा फील होते थे और मैं बिल्कुल वीक होना शुरू हो गया तो आई लॉस्ट लाइक 19 kgs बट इट 19 kgs मेरा सारा मसल भी जो है वो ड्रेन हो गया तो मुझे उसका बड़ा अफसोस होता था तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को जो है वो दोबारा से जब ये स्टार्ट किया वर्कआउट करना तो मैं कर नहीं पाता था क्योंकि जब मैं वेट लिफ्ट करता था मेरे यहाँ पे पेन होता था और वो मेरे जो पॉइंट्स थे ना वो मेरे माइंड के साथ जाके ना मुझे टीज करते थे जैसे ही मैं वेट लिफ्ट करता था तो वो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था तो मैं बड़ा टेंशन में आता था कि यार ये क्या हो गया खैर आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा से रिवाइवल हो गया बहुत मुश्किल होता है मैं कह रहा था बहुत मुश्किल होता है दोबारा से स्टार्ट करना मेरे भी खुद की 2 एक्सीडेंट्स हुए थे माइनर से थे इतने सीवियर नहीं थे एक तो शोल्डर डिसलोकेशन थी एक नी का मसला था पटेला का तो आई नो के उसमें मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी रिवाइव करते हुए वेट्स वो नहीं उठते थे बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है और जबकि इतनी मेजर इंजरी हो तो फिर जारी बात और मसले होते हैं इरिटेशन होना शुरू हो जाती है इंसान शदीद इरिटेशन होती है क्योंकि एक तो हम लोग को काइंड ऑफ एडिक्शन भी होती है एक्सरसाइज वगैरह करने की आप उस पॉइंट पे जा चुके होते हो ना मसला ये अगर आप आपने कभी वो फील लिया नहीं होता तो इतना पता नहीं चलता मगर जब आप एक बार उस पॉइंट पे जा चुके होते हो तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम होती है तो पहला क्वेश्चन है मुदस्सिर का कि रमजान में ट्रांसफॉर्मेशन इजी है टफ है यार अगर प्रैक्टिस है आपको वर्कआउट करने की तो इजी है और अगर वर्कआउट फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करें तो मेरा मशवरा ये कि आप रमजान में जो है वो हल्का हाथ रखें
ज्यादा बेहतर है, बट ये कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मेरा पर्सनल मशवरा ये कि आप उसको इस तरीके से लेकर चलें कि कार्डियो जो है वो आप अफतारी से कुछ देर पहले 30 मिनट्स पहले कर लें, और वेट ट्रेनिंग जो है वो आफ्टर तरावी लेटर ऑन लाइक 11 o'clock और 11:30 आप वेट ट्रेनिंग कर लें, तो उसमें आपको जो है वो इतना पता नहीं चलेगा। अगर आपने रमजान में ही कसम खाई है, मैंने रमजान में ही कसम खाई है। ना बेस्ट थिंग एक्चुअली जिस तरह बता रहे हो, मतलब मेरा खुद का ये परसेप्शन है कि इफ देयर इज मतलब बहुत हाई इंटेंसिटी नहीं, मॉडरेट टू हाँ लो इंटेंसिटी कार्डियो जो है उससे पहले करे बंदा, इफ्तार से पहले, उसके बाद जो है तरावी के बाद वो कर ले। अच्छा, इस डिहाइड्रेट पर कहाँ डिपेंड होते हैं नहीं ना करता बंदे। है, क्वेश्चन मुदस्सिर का बहुत स्पेसिफिक नहीं था कि मुदस्सिर पूछता है क्या मतलब वेट लॉस करने वाली ट्रांसफॉर्मेशन या गेन करने वाली, तो गेन की जरूरत क्यों नहीं है हाँ वैसे। मुदस्सिर को तो अभी कट डाउन करना है। मैं कल परसों इसका शो कट देख डाउन रहा करना था, है तो तो मैंने सोचा इसको मैं बोलूंगा कि भाई अब तुम ये शो कर रहे हो तो एटलीस्ट जो है वो खुद को कट डाउन सबसे पहले करो। सुन लो मुदस्सिर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आया है इतना हैदर की तरफ से, शी इज सेइंग व्हिच इज द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट एक्सेप्ट मॉर्निंग। Which is the best time to work out except morning? हाँ पहले बता दिया मैंने, मॉर्निंग नहीं करूंगी मैं। हाँ, the best workout or best time to work out is whenever you feel like doing workout, because everything needs mind and muscle connection. अगर आपका connection नहीं हुआ हुआ आपके mind के साथ कि मैं workout proper करना चाह रही हूँ या नहीं करना चाह रही, आपका एक time है 5 बजे का, उसी वक्त आप workout करते हो और आप किसी भी वजह से थके हुए हो या आपका मूड खराब है, माइंड आपका चांद उस तरफ जा नहीं रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त वर्कआउट करना चाहिए, वरना आपको फायदा कुछ नहीं होगा, 100% आप बिल्कुल दे नहीं मूड पाओगे। पे भी होता है, मतलब कुछ लोगों का तो कभी मूड होता ही नहीं एक्सरसाइज करने के। बहुत सारे क्लाइंट जाते हैं कि सर हमसे वर्कआउट नहीं होता, डाइट नहीं होती, बस कुछ बता दें हम उनके कर हो लिए, जाए। उनके लिए मेरे पास एक वो है, वो स्कूल में हमारे पास पीटीआई एक ना वो रखता था छड़ी, तो वो लगती है जब, तो बंदा जो है वो फिर खुद वर्कआउट करता है। अच्छा, वो आगे एक और मैसेज आया है इकरा कही, कह रही कि मैं रात को 4 बजे करती हूँ और हाँ आपकी सही है। उतनी बजे मैं सुबह हो जाती है वो। नहीं, आप रात को 4 बजे भी कर सकती हो, कोई मसला नहीं है, जिस वक्त आपका दिल जाए उस वक्त करो। मेरे नजर में कोई ऐसा वो नहीं है। ये मिथ्स बहुत सारी हमने खुद क्रिएट की है कि यार मैं इस वक्त, कुछ लोग रात को 3 बजे करते हैं, कुछ लोग रात को, मैं खुद जो है वो रात को कभी 12 बजे करता हूँ, कभी 1 बजे करता हूँ, डिपेंड करता है। मतलब मगर एक सेटिस्फेक्शन है कि आप अपना वर्कआउट कंप्लीट करके सोए हो, तो ये है ठीक बस है और इकरा, क्या। आई होप दैट यू हैव गॉट योर आंसर के करना चाहिए, इफेक्टिव की बात नहीं होगी। अगेन मुझे वामिक ने लास्ट सेंटेंस कहा है कि एटलीस्ट यू आर सेटिस्फाइड दैट यू डिड समथिंग, कि आपने कुछ किया करके सोए, आपने मिस नहीं किया। मुझे कहते हैं ना कि देयर इज एवरी नो डे सच थिंग एज काउंट्स। बैड वर्कआउट, मतलब नो वर्कआउट इज समथिंग दैट यू हैव डन रॉन्ग विद योरसेल्फ। हाँ अच्छा, हमें एक और बंदे ने ज्वाइन किया है, सईद ने, याद है सईद? सईद पावर जिम वाले। हाँ पावर जिम वाला, हाँ वो मैसेज कर रहा है कि आप दोनों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे पावर जिम वाला टाइम याद आ गया, अच्छा चलो, अच्छी बात। चलो अच्छी बात। सलाम कह रहा है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अच्छा, मुदस्सिर कह रहा है कि क्या इस वक्त जिम वर्चुअल जिम सॉरी जिम का वर्चुअल टूर पॉसिबल है? जिम आसपास ही साथ में ही क्या? जिम तो मेरा दूर है, मगर जिम घर में मेरा वर्कआउट है, तो मेरा दूर है, जहां मैं करता हूँ वो मैं मैं दिखा जहां मैं देता हूँ करता हूँ आपको। वो मैं दिखा देता हूँ। हाँ प्लीज दिखाओ, मैंने थोड़ी झलकियां देखी नहीं है, इट्स अमेजिंग, काफी हाँ यार, ना होने से होना अच्छा होता है। अच्छा। मुदस्सिर तुम्हारी फरमाइश पे वहां में लेके चल रहे हैं हमें अपने होम जिम में। अच्छा जी, ये थोड़े से प्रॉप्स हैं हमारे। अच्छा, वहां में ऑनेस्टली चीजों को देख के बहुत सारे लोग इस वक्त जल रहे होंगे। हाँ हाँ वो हो रहा है, काफी लोग मुझे कह रहे हैं। ये हमारे ये हमारे एब्डोमिनल, बस एब्डोमिनल, ये एक बस चेस्ट ये मशीन है, चेस्ट मशीन है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। हाँ अब तुम ये बस हमारी करते बॉल करते है, ना सब दिखा दो, हमारी बस ये और बस वो सभी तो रखा हुआ बॉल है। है। और हाँ अभी तीन चार मशीनें और आ रही हैं, वो मैंने अच्छा परचेज माशाल्लाह, करनी है। मैंने परचेज करनी ये हमारा पंचिंग है, बैग है, हमारा पंचिंग बैग है, ये क्रॉसफिट है, मंकी क्रॉसफिट बार, है, मंकी बार। अच्छा मुदस्सिर कह रहे और हैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ जिम रमजान में। अच्छा अच्छा आ जाओ। आ जाओ, ये हमारा जो ये है हमारा जो है रोवर रोवर है,
ये पड़ा है, ये हमारी एक 5 kg की बार है, बॉल है, ये स्किपिंग रोप वगैरह पड़ी हुई है, इससे हम जो है वो थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं और सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं। सही। अच्छा सफान आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है और वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट हैपेंड इफ आई मिस वर्कआउट फॉर अ मंथ और अ कपल ऑफ मंथ एंड व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू गेन वेट व्हाइल वर्किंग आउट इन द जिम। दो क्वेश्चंस है एक्चुअली इनके, क्या इसमें कोई हर्ज है, कुछ मेरा लॉस होगा अगर मैं 1-2 दिन 1-2 महीने के लिए जिम छोड़ दूं, या कोई इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या बताओगे आप। और यार दूसरा क्वेश्चन ये है कि फास्टेस्ट वे गेन करने का क्या है। मैं बताता हूँ, एक सेकंड, मैं ये मोबाइल लगा दूँ अपना। आई थिंक वामिक की तरफ कोई इश्यू हो गया है। इन द मीन वाइल मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ आप लोगों के। हाँ ये फोन जो है वो मुझसे गिर गया था। जी वामिक। अच्छा जी अच्छा जी यार, अगर आपके अगर पास आपके पास वर्कआउट के लिए आपके पास वर्कआउट टाइम के नहीं लिए मिल आपके रहा है, पास आप टाइम नहीं नहीं कर मिल रहा है, आप पा रहे हो नहीं किसी कर भी वजह पा रहे से, हो तो किसी भी वजह से, सबसे तो बेसिक सबसे बेसिक वर्कआउट्स आप घर पे भी वर्कआउट्स कर आप सकते घर हो, पे भी जैसे कर कि सकते पुशअप्स हो, हो गए जैसे कि पुशअप्स हो गए और और चिन-अप्स हो गए और चिन-अप्स हो सिट-अप्स गए हो और गए, सिट-अप्स हो गए। ठीक है ना? ये तीन ये चीजें जो है ना तीन आपका चीजें जो मसल है ना मास आपका गिरने मसल नहीं मास देती। गिरने नहीं देती। अगर आप इसको ठीक है ना, आप कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू आप एक करोगे, टारगेट आप रख लो एक कि टारगेट रख लो कि लेट्स लेट्स सपोज हर सपोज किसी की हर अपनी किसी स्ट्रेंथ होती है, लेट्स स्ट्रेंथ होती है, सपोज लेट्स सपोज क्या नाम है, अगर आप अगर आप मेरी बात मानो मेरी तो बात जैसे मानो तो मैं जैसे मैं 250 टू पुशअप्स फिफ्टी का पुशअप्स टारगेट रख का लेता हूँ टारगेट अगर रख मैं लेता हूँ वर्कआउट नहीं अगर कर मैं रहा। वर्कआउट नहीं कर रहा, आपको ये नहीं कि आपको आपने ये नहीं कि 251 आपने गो टू में फिफ्टी लगाने वन हैं, गो में लेट्स लगाने, सपोज मैं ट्वेंटी लेट्स फाइव सपोज लगा मैं ट्वेंटी सकता हूँ, फाइव लगा सकता हूँ, तो 25 तो ट्वेंटी करते फाइव करते 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 मुझे टू करते फिफ्टी मुझे टू फिफ्टी हिट करना है, तो हिट उसमें करना है, तो इतना उसमें पंप हो इतना जाता है, पंप हो इतना जाता है अच्छा पंप हो कि जाता अच्छा है पंप हो जाता कि है आपको फील कि आता है कि आपको यार फील आपने आता है कि कुछ यार आपने वर्कआउट किया। कुछ वर्कआउट अब किया। स्क्वाट्स हैं अब तो स्क्वाट्स स्क्वाट्स हैं आप तो 150 का स्क्वाट्स रख आप लो, 150 का रख लो, और चिन-अप्स हैं और आप चिन-अप्स 30 हैं आप 40 50 जितनी 40 आपकी 50 स्ट्रेंथ जितनी है आपकी स्ट्रेंथ उतने है सेट्स उतने पे सेट्स डिवाइड पे करके डिवाइड आप करके रखा लो, आप रखा तो लो, आपका तो मसल नहीं आपका गिरेगा, मसल नहीं आपको ये अफसोस गिरेगा, नहीं होगा आपको कि यार ये मैं नहीं होगा कि वर्कआउट यार नहीं मैं कर रहा। वर्कआउट नहीं कर रहा। ये है कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं, इसके हाँ, अलावा एक इंटेंसिटी वेट से नहीं बढ़ा सकते थे, आप रेपिटेशन से बढ़ा दो, रेपिटेशन से बढ़ा दो, रेपिटेशन से और बढ़ा फिर दो, अगर फिर उससे अगर नहीं उससे उससे तंग तंग आ आ गए, गए मतलब मतलब दिल भर दिल गया भर है, गया है, तो तो फिर फिर उसको उसको टाइमिंग टाइमिंग के के हिसाब हिसाब से से थोड़ा थोड़ा कम कम कर कर लो, लो, मतलब मतलब स्पीड स्पीड अपनी अपनी लो लो कर कर दो, दो, वेरिएशंस वेरिएशंस ले ले आओ आओ उसके उसके अंदर, अंदर, तो तो आप आप कर कर लोगे। लोगे। और और आपका आपका जो जो दूसरा दूसरा सवाल सवाल क्या क्या था था कि कि खाने का कुछ सवाल खाने पूछ का रहा था क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि गेन करने का अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो गेन करने का फास्टेस्ट मेथड क्या होगा। यार सरप्लस कैलोरीज यार में रहो, सरप्लस कैलोरीज में रहो और जितना और ज्यादा जितना सरप्लस करोगे ज्यादा उतना सरप्लस करोगे ज्यादा उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट ज्यादा होगा। तुम्हारे लिए कैलोरीज अपनी बेनिफिट बढ़ा के होगा, रखो, वेट भी बढ़ा के वेट रखो, तुम्हारा बढ़ेगा, वेट तुम्हारा मगर बढ़ेगा, उसमें भी मगर क्लीन उसमें ईटिंग भी का एक क्लीन कॉन्सेप्ट ईटिंग होता है का कि एक थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लीन होता है खाओ, कि थोड़ा क्लीन ये नहीं कि खाओ, आप समोसे ये खाओ नहीं और कि आप उससे समोसे सरप्लस कर खाओ लो और उससे कैलोरीज, सरप्लस या कर लो जलेबियां कैलोरीज, खाओ या जलेबियां और खाओ बाद में फिर और पछताओ। बाद में फिर पछताओ। वैसे ये किया है हम लोगों ने भी किया है काफी, शुरू में हम लोग भी ये काम किया करते थे, बस सरप्लस होना चाहिए किसी भी टाइप का। आई हैव हर्ड सम पीपल के सारा टाइम जलेबी खाते रहते थे, कोई कहता है कि हमने जूसेस बहुत पिए हैं दबा के, और शेक्स हाँ, में भी पता नहीं क्या क्या डाल देते थे। तो पीपल हैव जैसे डन थिंग्स, मतलब हमने भी की थी। हाँ मैं भी करता था, मतलब मैं मेरे घर में 12 अंडे मतलब रोज आते थे ना, तो 6 से 8 अंडे ना, मैं मुझे किसी ने बोला था कि ना कच्चे अंडे ना शेक बना के पी लो, तो मैं 6 अंडे 8 अंडे डालते थे, तो घर वाले कहते थे यार अभी थोड़ी देर पहले अंडे आए थे कहाँ चले गए। तो ये चीजें आई थिंक होती ये थी। खैर, अंडे वाली हाँ कहानी है ना तकरीबन मेल्स के साथ हुई भी है ये, मैंने हाँ तकरीबन हर दूसरे बंदे सुना है कि यार इतने अंडे खाएंगे घर वाले निकाल देंगे मैं, और कुछ ना कुछ सुनने को ये मिलती थी बात उस टाइम। अब ये होता है कि तो उसको है। मैनेज करने होते हैं तो मसला नहीं होता। अच्छा, मैं कुछ अभी 11:30 हो गए, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स को मैं किस तरीके से लेके चलता हूँ, मतलब मेरे माइंड में क्या है, सही मैं माइंड में उसको क्या है, सिक्स सिक्स स्टेप्स में देखता हूँ। सिक्स स्टेप्स के अंदर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, अगर किसी ने अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो वो 6 स्टेप्स को अपने माइंड में रखे। उन 6 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या है कि एक डायरी ले और उसमें अपना जो गोल है उसको राइट डाउन करे।
ठीक है ना। अब वो गोल किसी भी तरह का हो सकता है कि वेट बढ़ाना है, मसल बढ़ाना है, या वेट रिड्यूस करना है, फैट लॉस करना है, किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, उसमें रीजनिंग लिखे कि यार मुझे जो है ना ये रीजन की वजह से, जिससे एक बंदा को होता है ना कि यार लड़के छेड़ते हैं, यार ये तो जो है ना बिल्कुल ही वेट ही नहीं उठा इसके अंदर, तो बिल्कुल जान ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो वो रीजन अपने माइंड में रखिए, बार बार उसको रिमाइंड कराए कि यार इस चीज की वजह से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो भी चीज उसको जो है वो मॉडल को परसू करता है, सलमान खान को जैसे मैं परसू करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि यार सलमान खान अच्छी अच्छी बिल्ड है उसकी, तो वो मेरे माइंड में होता है कि यार मैं वर्कआउट करूँ, मेरी बॉडी कुछ ऐसी हो जाए। किसी का आर्नल्ड है, किसी का कुछ है, तो जिसको मर्जी वो अपने माइंड में रख ले। तो एक चीज तो ये कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो राइट डाउन कर ले अपना गोल, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरी नजर में वो ये है कि वो अपनी एक डेडलाइन डिसाइड करे कि यार मैंने 3 मंथ्स में करना है, नॉट नेसेसरली 3 मंथ्स में करे, 1 ईयर में करना है, 6 मंथ्स में करना है, ये अपनी एक डेडलाइन डिसाइड करे, क्योंकि डेडलाइन देना अपने आप को बहुत जरूरी है, एल्स आप जो है वो वीक पड़ जाते हो लेटर ऑन। ठीक है, इसके अंदर आप टाइम पीरियड अपना डिसाइड कर लो कि भाई ये मेरा टाइम पीरियड है, तो उसकी वजह से इंसान की एक साइकी है वो अपना माइंडसेट बना लेता है कि यार अभी तो 6 महीने पड़े, यार चल आज मैं बिरयानी खा लेता हूँ, कोई मसला नहीं। तो वो चीजें इंसान जो है ना फिर वो नहीं करता। जब इंसान अपनी वो डायरी देखता है बार बार ना, तो उसको रिमाइंड आता है अब यार फलाने की वजह से मैं स्टार्ट किया था, या ये रीजन था मैंने स्टार्ट किया था, तो उसकी वजह से इंसान जो है वो उस पर फोकस रहता है अपने गोल के ऊपर। तीसरी चीज उसकी ये कि एक अपने माइंड में उसको प्लान, पहले उसको होना चाहिए प्लान कि यार मेरा प्लान क्या है। प्लान इस तरीके से कि हर बंदे का एक अपना गोल होता है, एक अपना प्लान होता है कि यार उसने सरप्लस में जाना है, वेट गेन करना है, या वेट रिड्यूस करना है, या उसने अपनी बॉडी के साथ वो क्या चाह रहा है, किस तरह की ट्रेनिंग करना चाह रहा है, कट्स बॉडी में ज्यादा चाहता है, मॉडल फिजिक चाह रहा है, या बॉडी बिल्डर बनना चाह रहा है, क्या चाह रहा है, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को जो है वो अपने एक प्लान लेके चले, वो भी राइट डाउन करे। जितना वो लिखेगा तो उसको वो चीज़ जो है वो बाद में रिमाइंडर रहेगा कि हाँ यार ये चीज़ मैंने करनी है। और उसके बाद फिर चौथी चीज़ ये कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप करे न्यूट्रिशंस के बारे में कि यार न्यूट्रिशंस क्या चीज़ें हैं, तो न्यूट्रिशंस के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आपको जो है फायदा होगा अपने काम को जो है वो बआसानी ट्रांसफॉर्म करने में अपने अपनी बॉडी को। कुछ लोगों का सरप्लस गोल होता है, मतलब अपने आप को वेट बढ़ाने का गोल होता है, कुछ लोगों का रिड्यूस करने का गोल होता है, तो उसी हिसाब से वो बंदा अपना वो। अब मैं जैसे न्यूट्रिशन एक वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको अगर आप जनरलाइज वे में लो तो इसको 4 या 5 स्टेप्स में ले लो। जैसे सबसे पहली चीज जो समझने की जरूरत है कैलोरीज को समझना, ठीक है। दूसरी चीज जो इंसान इसके अंदर देखे मैक्रो न्यूट्रिशंस को समझना, ठीक है ना। उसके बाद मैक्रो न्यूट्रिशंस में जैसे आप की आ जाती हैं चीजें प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, फैट, इन चीजों को समझना। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिशंस आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। माइक्रो न्यूट्रिशंस के अंदर आप देखा जाए तो आपकी विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर इनटेक आपका ये मायने रखता है। फिर चौथी चीज इसके अंदर अगर आप देखो तो आपका मील टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट रखती है। मील टाइमिंग के अंदर ये बहुत से लोग गलती कर रहे होते हैं यार मैं तो मैंने सिर्फ चिकन टिक्का खाया और रात के 1 बजे खाया, खा लिया, वो भी वॉश चिकन टिक्का खाया, विदाउट फैट खाया, विदाउट क्या नाम मसाला खाया, मैं खाया कितने बजे, 1 बजे खाया, 1:15 पे सो गए मेरे भाई। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस कि आप टाइम को मैनेज करो कि यार मैं किस टाइम पे, और फ्रिक्वेंसी इसकी उसी टाइम पे होनी चाहिए कि जैसे 7 बजे आपने कोशिश करो कि 7 बजे अपना डिनर करते हो तो 7 बजे रोज ट्राई करो कि 7 बजे ही करो, ताकि जो है वो आपका एक टाइम पीरियड आपका डिसाइड हुआ हो कि यार ये मेरा टाइम पीरियड है और इस टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो मैं खाना अपना खा लूंगा। अच्छा, जो मिथ है एक हमारे पास, ये पांचवी चीज मैं इसके अंदर बता दूं। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो चीज है वो क्या है, सप्लीमेंट्स, ठीक है ना। मतलब टू माई माइंड सप्लीमेंट्स आर ओनली 5% ऑफ योर न्यूट्रिशंस, ठीक है। जब आप ये 4 या 5 चीजें काबू पा लेते हो तो पांचवी चीज जो है ना वो आपके पायरामिड में सबसे आखिरी जो चीज मेरे नजर में है वो है सप्लीमेंट, दैट इज लाइक 5%। अगर आप ये सब चीजें प्रॉपर करते हुए आओगे ना, जैसे कैलोरीज का ख्याल रखोगे, सरप्लस या डेफिसिट जो भी है, या मेंटेन करोगे मेंटेनेंस कैलोरीज,
तो उसी हिसाब से फिर दूसरे नंबर पे आपका आ गया मैक्रो का ख्याल रखोगे, माइक्रो का ख्याल रखोगे, टाइमिंग का ख्याल रखोगे, ये सब करने के बाद सप्लीमेंट असर करेगा। हमारी जो यूथ है वो क्या कहती है, भाई आते साथी सर मुझे कोई ऐसा सप्लीमेंट दे दें जिससे मेरे एब्स बने। अरे भाई पहले तुम वर्कआउट तो कर लो, पहले मेरा चीजें भी यही, चीजें मैं सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, दो जी तीन जी दिन पहले की बात है, मेरे पास अभी पर्सनल मैसेज आया था उस बंदे ने, मतलब आई डोंट नो दैट पर्सन को, रैंडम कोई कमेंट किसी ने किया था वहां, तो फिर इनबॉक्स में मैसेज आया था यही सेम मैसेज कि मैं अभी जिम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं कौन सप्लीमेंट लूँ, मतलब कोई एक्सरसाइज के बारे में कोई सवाल नहीं, कोई डाइट मेंटेनेंस, कोई रूटीन, कोई लाइफस्टाइल, कुछ नहीं, सप्लीमेंट खाना चाहिए लोगों को। ये मुझे मुझे भी एक बंदे ने बोला था, मैंने कहा मैं नाम भेज रहा हूँ तो वो ले लेना, वो टाइम मेडिकल से मिल जाएगा। तो कह रहे अच्छा क्या ना, मैंने से कहा सबर का सप्लीमेंट। मैं कहा भाई पहले वर्कआउट तो शुरू करो, उसके बाद जो है वो तुम्हें सप्लीमेंट्स ही बता देंगे, चीजें बता देंगे। पहले लोग अपनी डाइट को काबू पाते नहीं है, ठीक है, सप्लीमेंट पहले उनको चाहिए होता है, तो शॉर्टकट्स के ऊपर जो है वो ज्यादा, अगर किसी ने स्टेरॉइड्स भी यूज करने हैं तो भाई वो ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड लग गया और आप बैठे हुए हो तो वो आपकी बॉडी बन गई। अगर ऐसा होता तो जो जो दुनिया के जितने अमीर लोग हैं उन सबकी बॉडियां बनी हुई होती, मगर ये मसल एक वाहिद चीज है जिसको को खरीदा नहीं जा सकता, इसको आपने मेहनत करके ही बनाना पड़ेगा आपको। चाहे आप स्टेरॉइड यूज करो, चाहे आप सप्लीमेंट्स यूज करो, चाहे आप डाइट यूज करो, जिस तरीके से भी आपने बनाना है वो आपका अपना गोल है और अपना फिर टारगेट्स हैं। क्योंकि अगर किसी ने मुकाबले लड़ने हैं और उस स्टेज पे जाना है जहाँ पे सब लोग जो है वो स्ट्राइडेड हैं, तो फिर आप उस गोल को लेके चलो, ठीक है। अगर आपने जो है वो सिर्फ फिटनेस के लिए करना है तो फिर वो एक अलग टेक्निक्स है, अगर आपने अपने कपड़े अच्छे लगने के लिए करना है तो वो एक अलग साइज और अलग कैटेगरी है, तो डिफरेंट चीज है। अच्छा इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो फिर अगली जो पांचवी जो चीज आती है वो मेरी नजर में है एक्सरसाइज, ठीक है ना। ये जो स्टेप्स हम चले हैं इसमें पांचवें नंबर पे एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज के अंदर फिर आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने रैप्स कितने लगाने हैं, ज्यादा लगाने हैं, कम लगाने हैं, ये एक अलग टॉपिक है। और वेट मैंने ज्यादा रखना है, कम रखना है, इंटेंस वर्कआउट करना है, फंक्शनल ट्रेनिंग करनी है, क्रॉसफिट करना है, क्या करना है, मैंने वो गोल्स के ऊपर करते हैं, वो एक लंबी कहानी है। और छठी जो चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है कि लोग कहते हैं यार, अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं यार तू कहाँ वर्कआउट कर रहे, यार तेरा बाइसेप बहुत अच्छा हो गया यार, तेरे एब्स बन गए यार, कहाँ वर्कआउट कर रहे हैं। मैं यहाँ पूरा शजरा लेकर, यार दादा मैं मंडे से तेरे पास आ रहा हूँ, तो वो मंडे कभी आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना वो ये चीज है कि वो ये चीज है कि आप अभी से मंडे स्टार्ट करो, अभी से राइट नाउ। सबसे इम्पोर्टेंट इन सारे पॉइंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो स्टार्ट राइट नाउ। मैंने कहा मुदस्सिर को तो याद दिला दो, मुदस्सिर मंडे याद रखना तुम। हाँ संडे मंडे कभी नहीं आता भाई, अभी से वर्कआउट करना शुरू करो, अभी से सोचो। एक मेरा दोस्त है, शायद हो सकता है वो देख रहा हो, देखे तो वो भाई ने मुझे तकरीबन कुछ 7 महीने पहले मैसेज किया था, दादा कौन से जिम जाते हो। मैंने कहा मैं बॉडी कॉम्प्लेक्स जा रहा हूँ, तो बस मैं कल से आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अभी कल परसों उसका फिर मैसेज आया ना, तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके भेजा टाइम और उस डेट के साथ। मैंने कहा ये तुमने 6 महीने पहले बोला था कल से आ रहा हूँ, मैंने कहा अभी तक तुम नहीं। मैंने कहा जब शुरू करना है और डॉक्टर लिखेगा कि भाई शुरू कर कर लो वर्कआउट, और आपकी 3 वेन्स में से 2 वेन्स बंद हो गई है, तब शुरू करोगे तो उससे अच्छा ही है कि शुरू से शुरू कर लो भाई, बेहतर है। तो ये सर हमारा छोटी सी अकल और समझ में जो ट्रांसफॉर्मेशन की बातें आती हैं वो ये सारा था। अब मेरे मेरे घर वाले जो है नॉक कर रहे हैं पीछे से, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो माजत के साथ मेरे कोई बात नहीं मामे, क्वेश्चंस काफी सारे थे, मैंने खुद भी निकाले थे, लेकिन एज यू टोल्ड मी कि मुझे जाना है, तो मैंने फिर क्वेश्चंस वाले स्किप कर दिए थे। मैंने कहा ये किसी दिन फिर मैं दोबारा तकलीफ दूंगा कि बिल्कुल ले लेंगे थोड़ा यार। इंशाल्लाह मैंने दोबारा प्रोग्राम करें। मैंने इसीलिए जो एक वास्टली मैं काफी देर बोलता रहा, आपको बोलने का टाइम नहीं दिया, तो मैंने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जितनी भी चीजें मुझे लगती थी इम्पोर्टेंट है वो मैंने थोड़ी कवर करने की कोशिश की। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर किसी बहुत दिन अच्छे कोई से और समराइज टॉपिक पे इस किया, पर। आई होप दैट पीपल अंडरस्टूड दैट। बिल्कुल किसी को कुछ अगर पूछना हो तो मेरे पेज पे पूछ सकते हैं, मेरी प्रोफाइल में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मेरा जो पेज है वामिक, मेरी जो प्रोफाइल है आईडी वामिक खान के नाम से, हम एक उसमें देख काम सकते करना हैं। कि एज सून एज यू गेट फ्री, मतलब आज या कल जैसे ही, अपने सही लिंक्स है, वगैरह यहाँ कमेंट में शेयर कर देना, ये मुझे दे देना, मैं मैं कर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक मैं कर दूंगा यार है, फिर, ताकि लोग कनेक्ट कर लें। ठीक है भाई। ठीक है।
थैंक यू ठीक है, आमिर, जजाकअल्लाह, थैंक्स इंशाल्लाह फॉर मिलते हैं कॉलिंग आपसे मी, दोबारा किसी और दिन। टेक जजाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। केयर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मैं तकरीबन 5-7 मिनट और हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं और अभी तक आंसर नहीं हुए हैं। वो द रीजन इज कि अमित को कहीं जाना था और कुछ मैं उनकी बातों में लग गया था, तो आई कुड नॉट नोटिस कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। अयाज खान, टू फिटनेस गुरुज ऑफ मी, मुदस्सिर ज्वाइन करो तो बातें बातें ना बनाओ, फिटनेस गुरुज की बात नहीं मानते तुम। अच्छा भाई, मैं आसाइशी काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, उमर इकबाल ने, ताहा ने, ताहा अशरफ सर आपके चरण चुनू में लिटरली, आज आप कैसे आ गए। हसन हसन नासिर ने ज्वाइन किया भाई, बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चंस देखते हैं, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चंस आर देयर, और उनका आंसर करके फिर हम हो जाएंगे रवाना, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। नहीं हसन, मैं हंसी नहीं रोक रहा था, मैं बस यहाँ कमेंट्स पढ़ के अंदर ही मैं मुस्कुरा रहा था, हंसी इतनी जोर की नहीं आ रही मुझे, बस ताहा को देख के हंसी आई थी कि फाइनली ताहा हैज ज्वाइन, पूरा आसाइश आ गया। अच्छा सफान आसिफ, अगर आप हैं तो आपका आंसर कर दूं मैं, आप कह रहे हैं बेस्ट टाइम टू वर्कआउट इन रमजान, बिफोर और आफ्टर फास्टिंग। अच्छा ये डिपेंड करता है कि आप किस नौियत पे वर्कआउट कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, लेकिन जनरल अगर कहा जाए तो लो इम्पैक्ट कार्डियो के लिए इफ्तार से पहले का टाइम बेहतर होता है, अगर आप में एनर्जी है तो। देखिए इस मामले में कहा जाता है कि लिसन टू योर बॉडी, कि आपकी बॉडी आपको बता देती है, बाद आप ऐसे ही फील कर रहे होते हैं बस सुस्ती हो रही है, जल्दी से इफ्तार का टाइम आ जाए, ये हो रहा है वो रहा है, एक्चुअली वीकनेस नहीं हो रही होती, खासतौर पर 4-5 दिन के बाद तो आप यूज्ड हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि लो इम्पैक्ट कार्डियो, जिसमें सिर्फ वॉक और लाइट मूवमेंट्स आ जाती है, इसमें स्ट्रेचिंग वगैरह आप कर लें, स्ट्रेचिंग भी बहुत सिवियर वाली नहीं, डायनेमिक स्ट्रेचिंग कराती है वो, जिसको मूवमेंट्स के साथ करते हैं आप, वो आप कर सकते हैं इफ्तार से पहले। और आइडियल टाइम जो बेस्ट होता है ना वर्कआउट का, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू डू इट बिफोर सहरी, और अगर आपको जिम जाना है, क्योंकि जिम का टाइम होता है वो उस टाइम तक बंद हो जाते हैं, इससे पता पता नहीं जिम खुल रहे हैं नहीं खुल रहे, कब तक खुलेंगे नो आइडिया, तो मोस्ट प्रोबेबली लोग घर पे कर रहे होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी के पास अगर रसाई है जिम तक की, या उसके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं जो करेगा, उसके हिसाब से तो आप ये है तैराकी की बात कर रहे हैं, एज वामिक सेड ऑलरेडी। सफान आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, हसन नासिर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज फॉर अपर बॉडी, प्लीज। हसन देयर इज नो सच थिंग एज बेस्ट एक्सरसाइज, इट डिपेंड्स व्हाट सूट्स यू। मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है, अभी रिसेंटली बनाई थी जो लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट हुआ था, कुछ अपने जिम के लिए बनाई थी मैंने, कुछ अपने पेज पे लगाई थी, कुछ रैंडम भी लगी हुई, इसमें अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों टाइप की एक्सरसाइज है, आप ट्राई करें और देखिए कौन सी इफेक्टिव रहती है। अब कहा जाता है चेस्ट के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज जो है वो क्या कहते हैं बेंच प्रेस कंसिडर की जाती है, लेकिन हर एक को बेंच प्रेस से इतना फायदा नहीं होता, बाज लोग फ्लाइज लगा के ज्यादा फायदा फील करते हैं, सो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, बॉडी टाइप और आपकी रूटीन और आपका जो पॉस्चर वगैरह डेवलप हो चुका होता है आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से, वो डिपेंड करता है, वो बताता है आपको कि आपके लिए बेस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज कौन सी है। अगर आप मसल मसल स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं तो आप शोल्डर्स के लिए बेस्ट यही कहा जाता है, कंपाउंड मूवमेंट कोई भी आप कर लें जिसमें प्रेसेस आते हैं, डंबल प्रेसेस या बारबेल प्रेसेस, देन फॉर लैट्स या बैक के एक्सरसाइज के लिए आप पुलअप्स या चिन अप्स वगैरह कर सकते हैं, चेस्ट के लिए आप पुशअप्स लगा सकते हैं, ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई चीज रिक्वायर्ड होगी। अगर आप शोल्डर प्रेसेस कर रहे हैं और अगर आपके पास डम्बल्स नहीं है तो आप पाइक पुशअप्स कर सकते हैं, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, या तो उसके बाद मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, आई विल सेंड यू द पिक्चर और द वीडियो ऑफ पाइक पुशअप्स, वो शोल्डर्स के लिए होते हैं मेनली। हसन आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, जो आपने कहा है कि 8 सप्लीमेंट्स नेसेसरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत जरूरी होते हैं, डिपेंड्स ऑन द टारगेट, आपको जो बेसिक चीजें कवर करनी है पहले आपने वही करनी है, अगर वो चीज सही नहीं होंगी, ऑनेस्टली एज वामिक सेड एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट एज वेल, कि जब तक डाइट लाइफ स्टाइल एक्सरसाइज आपकी सही पैटर्न में नहीं चल रही है और आप इसको सही तरह से यूज टू नहीं हुए, सप्लीमेंट कोई फायदा नहीं देगा, कोई भी फायदा नहीं देगा, उल्टा लॉस कर सकता है कि आप बजाय गुड मसल मास गेन करने के आप सिर्फ बल्क गेन कर लें, या लॉस करने में भी ऐसे होता है अगर आप लूज कर रहे हैं बॉडी वेट का। दूध जलेबी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो हमसे अपना मजाक उड़ा रहे थे कि हमने भी ये इनिशियल टाइमिंग में बेवकूफियां की हैं, कोई और ना कहे उस टाइम पे हम एजुकेटेड नहीं थे।
फरा का मंडे नहीं आता, मुदस्सर का मंडे नहीं आता। उमर इकबाल ने हमें कहा था कि मंडे को जिम ज्वाइन करूंगा, वो मंडे आज तक नहीं आया। अदम अल्लाह का शुक्र, बहुत लेट ज्वाइन किया तुमने आज। जी, ज्वाइन किया है, बहुत देर से ज्वाइन किया है। माफ़ हसन, देखते रहा करो प्रोग्राम, हम लोग तकरीबन रोजाना कर रहे हैं, रमजान में थोड़ा सा कम कर देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। द रीजन इसके उस टाइम पे कुछ मसरूफियात ऐसी होंगी, बल्कि आप लोग अगर मशवरे हो टाइमिंग के हिसाब से डू लेट अस नो, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं आप न्यूट्रिशन पे, इसका लिंक मैंने दे दिया है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, और वहां पे जाके आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। इनके पास मेरी आईडी है, मेरे पास ऐड है, वही में पर्सनल इनबॉक्स करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, मुझे बता दें कि सुटेबल टाइमिंग्स क्या है फॉर रमजान प्रोग्राम। दिन में ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा स्पेशली फॉर मुदस्सिर, मैं शायद कर लूंगा, और रात को टाइमिंग शॉर्ट है तो हम इसको रेगुलरली नहीं करेंगे। आई थिंक के फ्रीक्वेंसी वुड बी, जो अभी हम लोगों ने रफली डिसाइड किया है, इट्स नॉट कंफर्म येट, मैं मुदस्सिर थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, तो हमने डिसाइड ये किया है कि हम हफ्ते में 3 प्रोग्राम करेंगे, शायद मैक्सिमम 4 तक चले जाए वो, लेकिन फिलहाल 3 का सोचा हुआ कि 3 करेंगे प्रोग्राम, नॉट मोर देन दैट। वेल, कल तक के लिए इजाजत, कल के गेस्ट हम थोड़ी देर में अनाउंस करेंगे, बिकॉज थोड़ी सी कंफ्यूजन है वेदर दे आर गोइंग टू ज्वाइन अस और नॉट, बिकॉज टाइमिंग के कुछ इश्यूज आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द अनाउंसमेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।